अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनीब फ़ारूक और नजम सेठी साहब आपकी खिदमत में हाज़िर हैं इस प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जितनी तबाही सैलाब के बाद हुई है और इस वक्त हमारे मुल्क के जो चार सूबे हैं वो इससे अफेक्टेड हैं, और मैं नहीं समझता कि इस वक्त तक हम कोई ये असेसमेंट कर सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, कितना जानी नुकसान हुआ है। कोई ना डेथ टॉल दे सकते हैं हम कि कितने लोग इसमें बह गए हैं, जा बाक हो गए हैं और कितने लोग अफेक्टेड हैं। एक रफ फिगर आता है जी कि उनकी तादाद 1.5 से 2 करोड़ भी हो सकती है, शायद इससे भी ज़्यादा हो सकती है। कुछ दिनों से मैं बलूचिस्तान में था तो वहाँ पर कुछ इलाकों में जो मुझे कहा कि 3 से 4 लाख एकड़ अराजी जो है वो अफेक्ट हुई है, और ये उन लोगों की अराजी है, उन लोगों की ज़मीन है जो कि सोलली इसी के ऊपर रिलाय करते हैं, इसी से वो अपनी रोज़ी रोटी चलाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने, क्योंकि दुनिया न्यूज़ ने हमने 2 दफ़ा एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन की, इसी लिए की कि अवेयरनेस लाई जाए लोगों के अंदर जो मुख़य्यर असरात हैं, गवर्नमेंट की तरफ एक रियलाइजेशन दी जाए कि इस वक्त ज़रूरत है लोगों को गवर्नमेंट की हेल्प की, मुख़य्यर हज़रात जो हैं उनकी हेल्प की। तो आज के इस प्रोग्राम में हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जो रिस्पांस रहा है वो इतना अच्छा क्यों नहीं रहा, और जो परफॉर्मेंस है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की यानी सूबाई हुकूमतों की वो कैसी रही, विभागीय हुकूमत की कैसी रही, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो थी क्या वो ठीक थी या नहीं। और एक बहुत ही जो अनफॉर्चुनेट और बदकिस्मती का इस वक्त जो बायस बन रही है बात, वो ये है कि इस सारे इशू के ऊपर सियासत भी खेली जा रही है। ऐसा क्यों है, और ये भी हम इस वक्त डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मोबिलाइज़ किया जा सकता है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को, कि इस मुश्किल घड़ी में वो लोगों की मदद कर सकें। सेठी साहब, अब एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है, अब तो क्योंकि इतना इट्स सो ओवरवेलमिंग, हर तरफ ये एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है। एक बात जो हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में वो ये कि इतना अजीब, इतना बुरा रिस्पांस क्यों है आफ्टर दिस डेवस्टेशन। देखिए, दो किस्म के रिस्पॉन्सेज हैं ना। पहली बात तो ये है कि जब ये फ्लड आए तो क्यों हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, फेडरल गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, वो क्यों तैयार नहीं थी, कोप क्यों नहीं कर पाई, पहला तो ये सवाल खड़ा है। Exactly. पैसे वैसे की तो बात वो बाद में बात है। तो पहली बात तो ये है कि क्यों हमारी कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है। एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई हुई है, वो जो कश्मीर में अर्थक्वेक आया था उसका भी एक एक्सपीरियंस है। उस वक्त हम सब ने ये यकीन दिलाई की थी आवाम को कि आगे से हम पूरी तैयारी के साथ डील करेंगे किसी नेचुरल डिज़ास्टर मैकेनिज्म टू प्रोवाइड रिलीफ, प्रोवाइड रिलीफ कि अगर कोई क्राइसिस होती। मगर आई थिंक इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। पहली ये कि अर्थक्वेक और फ्लड्स के अंदर एक बहुत अहम फ़र्क है। अर्थक्वेक अचानक आता है, कोई उसकी एडवांस वार्निंग नहीं होती, किसी किस्म की एडवांस वार्निंग नहीं होती, और जब वो आता है और वो सेकेंड्स में तबाही कर जाता है, उसके बाद स्टेटस को मेंटेन हो जाता है, जो गिर गया वो गिर गया, जो मारे गए वो मारे गए, और उसके बाद पूरा टाइम होता है आपके पास कि आप अपनी सारी फोर्सेस को इकट्ठा करें, इकट्ठा करके फिर आप मूव इन करें, फिर आप लोगों को की भलाई के लिए, उनकी खुशहाली के लिए कुछ कार्रवाई करें। ठीक है, या फ्लड्स के अंदर जो सूरत हाल होती है वो फ़र्क होती है। फ्लड, पहली बात तो ये है कि हमें कुछ अंदाज़ा होना चाहिए, ये एक रिवरीन कंट्री है, इसमें पूरी इरीगेशन के लिए रिवर्स, डैम्स, बहुत सा वास्ट सिस्टम है जो कॉलोनियल टाइम से आ रहा है, जिसके ऊपर हमने भी बड़ी मेहनत की। तो वी शुड नो कि मानसून के वक्त क्या होता है क्या नहीं होता। हमारी मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट कि कैचमेंट एरियाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अगर हुआ ये होगा तो ये होगा ये नहीं होगा, ये हमारी पूरी हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दिलचस्प बात, और ये फ्लड्स के अंदर अगर ये इंफॉर्मेशन हो तो आप प्लानिंग कर सकते। Exactly. दूसरी चीज ये है कि जब फ्लड्स आते हैं वो एक सेकेंड में नहीं खत्म हो जाते, वो चलते रहते हैं। लोगों के पास आप स्ट्रेट वे रिकंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जा सकते, एज इन द केस ऑफ एन अर्थक्वेक आपको पहले रिलीफ देनी पड़ती है, लोगों को बचाना पड़ता है, इवैक्यूएट करना पड़ता है, ट्रेजेडी ऑनगोइंग होती है। अब ये 15 दिन से ये ट्रेजेडी चल रही है, अर्थक्वेक तो आया सेकंड्स में खत्म हो गया, उसके बाद आपने अपनी फोर्सेस मूव की शुरू कर दिया, मगर यहाँ तो रिलीफ सिर्फ बात होती है, बिकॉज आपको एक कंटिन्यूइंग ट्रेजेडी के अंदर आपको अपने रिसोर्सेज को मार्शल करना होता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वी शुड बी एबल टू डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्लड्स। एंटिसिपेशन होनी चाहिए, फोरकास्टिंग होनी चाहिए, और ग्राउंड के ऊपर ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए कि मिनिमल फ्लडिंग हो, मैक्सिमम वाटर प्रिजर्वेशन हो। अच्छा, वी आर लैकिंग इन ऑल थ्री एरियाज, तो अर्थक्वेक के साथ इसको कंपेयर करना इज नॉट राइट।
यहाँ वी शुड हैव प्रॉपर मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स द मोस्ट साइंटिफिक एंड एडवांस्ड इन द वर्ल्ड बिकॉज वी डिपेंड ऑन वाटर. स्केसिटी के लिए भी हम डिपेंड करते हैं और फ्लडिंग के लिए भी हमारा प्रॉब्लम है, दोनों चीज़ों के लिए. तो पहली बात तो ये वो नहीं है, 60 ईयर्स डाउन द लाइन हमारे पास नहीं है. दूसरी चीज़ ये कि रिलीफ कैसे करनी है, वो भी आज तक ऑपरेशन रिलीफ का नहीं है. बिकॉज एज आई सेड अर्थक्वेक में फर्क है, उसमें यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड के आप मूव करें. यहाँ तो आपको फौरी तौर पर ऑनगोइंग है ना, ऑनगोइंग है, और प्रीएम्प्टिव मेजर्स भी ले सकते हैं आप. अब जैसे आप लाहौर शहर में वो कह रहे हैं कि रावी में शायद फ्लडिंग हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने रावी का जो बेड है पहले से प्रीएम्प्टिव वार्निंग देनी शुरू कर दी. एग्जैक्टली. तो मतलब यहाँ टाइम होता है आपके पास इन ऑर्डर टू इवैक्यूएट, टू प्रिपेयर पीपल एंड सो ऑन. इसी तरीके के साथ अगर आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि अगर पानी इतना आ गया और यहाँ से हम ये डाइक तोड़ेंगे, ये करेंगे, ये पूरा मेटिकुलसली कंप्यूटर के ऊपर आपके पास होना चाहिए. ये नहीं कि आप उस वक्त फैसला करते हैं कि यहाँ तोड़े, यहाँ तोड़े, यहाँ पानी ज्यादा आ गया, और फिर वहाँ लोकल लड़ाई झगड़े जो शुरू हो जाते हैं. कोई कहता है मेरी जमीनों पे ऊपर आ गया, दूसरे की जमीन बचा ली, फिर प्रोविंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, इंटर प्रोविंशियल प्रॉब्लम. Exactly. और इंटर लैंडलॉर्ड इंटर लोकल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं. तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए दे शुड बी अ नेशनल प्लान. तो वो भी नहीं. और तीसरी चीज ये इसके लिए कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज देने हैं ये सब चीजों के लिए. डैम्स बनाने चाहिए थे जो बने नहीं, जिनकी अप्रूवल भी हुई है, जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो भी नहीं बने पानी को बचाने के लिए, रोकने के लिए, ओवर फ्लडिंग को, रिजर्वॉयर्स बनाने के. तो एट ऑल लेवल्स दिस कंट्री एंड इट्स लीडर्स हैव नॉट प्रिपेयर्ड दिस कंट्री टू फेस दीज फ्लड्स इन द पास्ट 63 इन द पास्ट 63 ईयर्स. और कोई गारंटी नहीं है कि आज के बाद भी, कि अगला फ्लड अगले साल अगर फिर आ गया तो कुछ तैयारी होगी कि नहीं. और यही हमारी बदकिस्मती है. अरे सिटी साहब, यहाँ एक बात जो है ना वो अप्रोच की भी है. कुछ दिन पहले आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया इसी फ्लडिंग के ऊपर भी, फ्लड्स के ऊपर ही. तो फेडरल फ्लड कमीशन जो था उसके बारे में जब हम बात की तो उसमें देखिए 80-90 अरब रुपया लग गया, लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं सामने था. आज भी हम, आपने खुद अभी जिक्र किया NDMA का, तो वो भी कहते हैं जी कि हमारा जो काम है ऑब्वियसली वो एक मैकेनिज्म दे सकते हैं. वो कहते नहीं हमारे पास कोई, वी डोंट हैव सोल्जर्स ऑन ग्राउंड. चले मैं ये कहता हूँ एक मैकेनिज्म बनाए ना. 5 साल पहले अर्थक्वेक आई थी, गालबन 4-5 साल पहले थी ना. तो क्या 4-5 साल ने इन्होंने मैकेनिज्म नहीं बनाया हुआ कि अगर फ्लडिंग हो जाए तो कहाँ से ब्रीचेस करनी है, कहाँ से ये करना है, कहाँ से ये करना है, कौन सी फोर्सेस मूव करेंगी, आर्मी कहाँ मूव करेगी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ होगी, फेडरल गवर्नमेंट कहाँ होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कहाँ होंगी. कुछ नहीं है इनके पास. तो ये क्या करते रहे हैं ये सारा वक्त, ये कहते हैं दफ्तर लेके बैठे हुए हैं. मैनेजमेंट, ये कौन सी मैनेजमेंट की तैयारी की है इन्होंने. सेठी साहब मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है. नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं. अभी तक जो बात हमने की है वो ये कि इसके अंदर जो इनफैक्ट जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो बड़ा कमज़ोर रहा है. अब ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम ये बात करेंगे कि ये तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अब तक जो कोशिश की गई है रिलीफ के लिए यहाँ पर पैसा इकट्ठा करने की, वो उसके अंदर भी रिस्पॉन्सेज जो हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं, और इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी. वो भी सेठी साहब से हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिए.